दरम्यान आज केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी अभिनेत्री कंगना राणावतची तिच्या घरी जाऊन भेट घेतली. त्यानंतर मांडलेल्या भूमिकेमध्ये महापालिकेनं तातडीनं कारवाई करण्याची गरज नव्हती असं मत आठवलेंनी व्यक्त केलं. कंगनावर ड्रग्सचे आरोप करणाऱ्या सामना आणि खासदार संजय राऊतांविरोधात खटला भरायला हवा अशी मागणीही त्यांनी केली. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख चुकीचाच असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. सामना ने मतलब कल बहुत बड़ी न्यूज छापी कि कंगना का भी ड्रग्स से संबंध है. क्या 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 मतलब उनके पास प्रूफ है सामना के ऊपर. सामना पर भी केस करने की आवश्यकता है. अगर सामना इसी तरह का गलत अगर कोई विदाउट प्रूफ अगर इसी तरह का कोई छापेगा तो सामना पर भी केस होनी चाहिए. संजय राउत पर भी केस होनी चाहिए. उद्धव ठाकरे जी के पार्टी की सत्ता मतलब मुंबई महानगर पालिका में है और वो माननीय उद्धव ठाकरे जी के इशारे पर ऐसा हुआ है. ऐसा उनको गुस्सा आया था और इसीलिए उन्होंने वो एकेरी शब्द किए थे. लेकिन वो एकेरी शब्द से मैं सहमत नहीं हूँ. मैं आज भी माननीय उद्धव ठाकरे जी के साथ में नहीं हूँ. लेकिन हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं और वो मेरा रिस्पेक्ट करते हैं नहीं मुझे मालूम नहीं है. लेकिन वो मुख्यमंत्री के नाते मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ. और उन्होंने गुस्से में मतलब उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ था इसीलिए उन्होंने गुस्से में आकर थोड़ा सा जो बोला था. लेकिन उससे मैं तो सहमत नहीं हूँ. राणावत बोलते हैं मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मुझे समाज में एकता होनी चाहिए इसमें मुझे इंटरेस्ट है. मेरी फिल्में जो अभी अयोध्या नाम की एक फिल्म आ रही है और उसमें दलित का भी कैरेक्टर मैं उसमें कर रही हूँ. मुझे दलितों के बारे में बहुत बड़ा आदर है और ये जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए इसी तरह की भूमिका उन्होंने रखी है. तो मुझे लगता है कि अभी वो कौन सी पार्टी में जाएगी. अभी उन्होंने तो बोला है कि भाई मुझे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है. मैं फिल्म में हूँ और जब तक मैं फिल्म में हूँ तब तक अभी किसी पार्टी में जाने का विचार नहीं किया है. लेकिन वो अगर बीजेपी में आरपीआई में आते हैं तो हम उनका तो स्वागत करेंगे. अगर आरपीआई में आते हैं तो मैं 100% स्वागत करूंगा. बीजेपी में जाएंगे तो 50% स्वागत करूंगा.